हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री का। और वो केमिस्ट्री का वो टॉपिक जो मैक्सिमम बच्चों की ज़िंदगी में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है? कन्फ्यूजन ये रहता है कि मैम, व्हाट इज़ ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज मासेस। येस, सो इज़ दिस योर कन्फ्यूजन ऑल्सो? आई नो बच्चे, सो आज आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वॉच दिस वीडियो एंड जस्ट लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन, इसको देखने के बाद क्या आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। सो लेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन या टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉम, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, एटम एक सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि फ्री एग्जिस्ट करती है, उसको हम एटम बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। आई रिपीट, एक एटम के मास को। किसी भी चीज़ जिसको आप मेजर करते हो, मेजर करने के बाद हम उसको यूनिट देते हैं, जैसे कि 1 kg, kg इज़ द यूनिट ऑफ एनीथिंग हैविंग मास, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने एक एटम को जब मेजर किया तो उसको क्या यूनिट दी है? एटॉमिक मास यूनिट। तो जब भी आप किसी भी एक एटम का मास मेजर करेंगे तो बच्चे वो किस में आने वाला है? एटॉमिक मास यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि ये एटॉमिक मास यूनिट कैसे मेजर करी जाए। तो उसको मेजर करने के लिए बच्चे एक स्टैंडर्ड लिया गया है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? जब भी आप सब्जी मंडी जाते हैं या किसी दुकान पर सब्जी लेने जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं भैया जी 1 किलो टमाटर दे दीजिए, तो एक तराजू लेता है जिसमें एक एंड पे वो 1 किलो का तोल या बाट रखता है और दूसरे एंड पे टमाटर डालता जाता है। बराबर हो जाते हैं, वो कहता है ये लो भैया आपके 1 किलो टमाटर। तो बेटा ये जो एक एंड पे 1 किलो का तोल है वो स्टैंडर्ड है ना? कोई क्वेश्चन नहीं करेगा अगर उस पर 1 kg बाट पे लिखा है तो आप उसको लेके चलोगे। इसी तरीके से हमने केमिस्ट्री में भी एक एटम को मेजर करने के लिए 1 amu एक स्टैंडर्ड लिया। अब वो स्टैंडर्ड किसके बराबर होता है? साइंटिस्ट ने नेचर में सबसे अबंडेंट जो एटम था उसको चूज़ किया, वो है कार्बन। कार्बन का एक एटम लिया, कौन सा कार्बन लिया? C12। 12 का मतलब समझते हैं ना, 12 ग्राम आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। हम कौन सा ले रहे हैं? कार्बन का वो एक एटम जिसका मास 12 ग्राम होता है। उन्होंने कार्बन का वो एक एटम लिया, उस एक एटम के 12 टुकड़े किए। कितने किए बच्चों? 12 टुकड़े। और उस एक 12वें टुकड़े का, ठीक है, 12 टुकड़े में से एक टुकड़े का जो मास होता है उसको हमने स्टैंडर्ड क्या ले लिया? 1 amu। तो व्हाट इज़ 1 amu? 1 amu इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ 1 carbon एटम। कार्बन का एक एटम लेना है, उसके 12 टुकड़े करने हैं, उसमें से एक जो टुकड़ा लोगे उसका जो मास होगा उसको हम बोलते हैं 1 amu। तो हमेशा याद रखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट एक एटम को मेजर करती है। और देखते हैं, अब हम देखते हैं दूसरे एटम्स का मास किस तरीके से देखा जाएगा। तो बेटा हमने स्टैंडर्ड चूज कर लिया है 1 amu। अब हम दूसरे जितने भी एटम्स हैं उनका मास इस amu से कंपेयर करने वाले हैं। कैसे? मास ऑफ 1 oxygen एटम। ऑक्सीजन का एक एटम लिया गया और एक एंड पे, जैसे आप तराजू ले सकते हैं, ठीक है, लेट्स से ये हमने एक तराजू लिया, ठीक है, इस एंड पे हमने ऑक्सीजन का एक एटम रखा। किसका रखा? ऑक्सीजन का एक एटम। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है? amu। तो हम 1 amu रखते गए, हमने 1 रखा, फिर 2, एक और amu रखा, फिर एक और amu रखा, ऐसे हमने 16 amu रखे। तो जब हमने 16 amu रखे तो हमने देखा वो किसके साथ बैलेंस हो रहे थे? ऑक्सीजन के एक एटम के साथ। तो मास ऑफ 1 oxygen एटम किसके बराबर होता है बच्चों? 16 गुना मतलब इनटू 16 times द मास ऑफ 1 amu। इसी तरीके से आपसे कोई पूछे मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो आप क्या लेंगे? एक तराजू पे
नाइट्रोजन का एक एटम लेने वाले हैं और उस नाइट्रोजन के एक एटम को किससे बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, 1 AMU, 1, 2, 3, 4, और फाइनली जब 14 AMU रख दोगे तो आप वो किससे बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन के एक एटम से। तो इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम लेते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है, 1 AMU। मतलब एक तरफ तराजू पे आपको हाइड्रोजन का एक एटम रखना है और दूसरी तरफ तराजू पे अगर 1 AMU ही रख दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों को AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इज़ द यूनिट टू मेजर द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। जब भी आप एटॉमिक मास देखेंगे तो समझ जाना एक एटम के मास को मेजर करना है और उस एक एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो आई होप ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ओके, एटॉमिक मास यूनिट के टॉपिक को पूरा फील करना चाहते हो तो एक और चीज़ बताती हूँ। हैव यू हर्ड द टर्म मास स्पेक्ट्रोमीटर? नहीं सुना तो सुनो। मास स्पेक्ट्रोमीटर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ साइंटिस्ट ने मास स्पेक्ट्रोमीटर करके एक डिवाइस बनाई थी और वो डिवाइस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मासेस को कैलकुलेट करने में काम में आती थी। सो व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर? मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द मासेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर से हम अपने एटम के पास आते हैं। एक एटम किसका बना होता है? एक एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को मिला के एक एटम का मास बनने वाला है, क्या बोलते हो? यस। सो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, जो कि एक एटम का मास होता है, वो किसके कारण होगा? मास ऑफ प्रोटॉन के कारण, मास ऑफ न्यूट्रॉन के कारण और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ किया और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस को मेजर किया। तो हमने क्या पाया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का मासेस बराबर होता है और वो मास इक्वल्स टू होता है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। बच्चे याद नहीं करना है, सिर्फ टॉपिक को फील करो। AMU क्या बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? जस यही करना है आपको इसमें। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, जो कि 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम के बराबर होता है। इसी को हम 1 AMU बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम 1 AMU बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। ये जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये प्रोटॉन के मास से 1/1837 टाइम छोटा होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोले तो 1/2000 टाइम छोटा। पहले तो प्रोटॉन का मास नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन का 1/2000 टाइम कम, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो जब भी आप एक एटम का मास कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा रिविजन करा दिया जाए। What is atomic mass? Atomic mass एक एटम का मास होता है। एक एटम किससे बनता है? प्रोटॉन से बनता है, न्यूट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। इन तीनों के मासेस को मिला के एक एटम का मास बताया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने के कारण उसको हटा दिया जाता है और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को बना के हम एक एटम के मास को डिफाइन करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया जाए। Over here I have written one carbon atom. एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है? तो क्या आप लोगों को पता है कि कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं? तो 6 × mass of 1 proton + 6 × mass of 1 neutron 12 × 1.67 × 10⁻²⁴ हो जाएगा। बेटा ये क्या है? This is 1 AMU और इंटू 12 कर दिया तो किसका मास आ गया? एक कार्बन के एटम का। तो 1 carbon atom इज इक्वल्स टू 12 AMU और 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम।
तो अब सारे कन्फ्यूजन एटॉमिक मास यूनिट के रिलेटेड तो दूर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव मास एंड ग्राम।